नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के अंदर रामलला के अस्थायी मंदिर में 498 वर्षों के बाद भगवान राम मंदिर के झूले में सावन मास को झूला झूलने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो चांदी से भगवान श्री राम का झूला बनवाया है। वहीं भगवान राम नागपंचमी यानी कल 13 अगस्त को चांदी के झूले में विराजमान होंगे और सावन पूर्णिमा तक रामलला चांदी के झूले में राम भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला 13 अगस्त को नागपंचमी के दिन झूले में विराजमान होंगे। आज यह झूला रामलला मंदिर में पहुंच जाएगा, उसके बाद कल सुबह रामलला झूले में विराजमान होंगे। यही नहीं, रामलला को कजरी गीत भी सुनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्रावण मास के पंचमी तिथि से सावन झूला उत्सव प्रारंभ हो रहा है, जहां अयोध्या के सभी मठ मंदिर में भगवान को विशेष झूले भगवान के झूला झूलने की परंपरा है। तो वही वर्षों से टेंट में विराजमान रहे भगवान श्री रामलला को लकड़ी के झूला झुलाने जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन इस बार भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका, इसलिए अब सभी उत्सव को भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारी। इसलिए इस बार मंदिर के ट्रस्ट ने भगवान श्री रामलला के लिए चांदी का पलायना तैयार किया, जिसे श्रावण शुक्ल पंचमी से झूले पर विराजमान कराए जाने के साथ उत्सव प्रारंभ है और पूर्णिमा 22 अगस्त को समाप्त होगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से सोनू यादव की रिपोर्ट। देखिए, धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। भगवान पहले विवारे ढांचा में रहे, उसके बाद ढांचा गिरने के बाद त्रिपाल में आए। त्रिपाल में बहुत ही कठिनाइयां थी, 28 वर्ष तक वहां त्रिपाल में रहे भगवान श्री राम। और अब मंदिर बनने लगा है, जिस जगह मंदिर बन रहा वहीं पर विवादित ढांचा और वहीं पर रामलला का अस्थाई मंदिर जो त्रिपाल था उसमें विराजमान थे। अब अस्थाई मंदिर बन गया है और उसी मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उसी सुविधाओं के बीच भी जो इस वर्ष का झूलन उत्सव हम नागपंचमी के दिन शुरू करेंगे और यह इसको चौथ के दिन माने 12 तारीख को ही झूला आ जाएगा। अभी झूला वहाँ आया नहीं है और चांदी का झूला बन गया है और 12 को रात में झूला को लगा दिया जाएगा और 13 जो नागपंचमी है उसी दिन से यह भगवान श्री राम अपने चांदी के पालने पर झूलेंगे।